गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम यूनिट नंबर 6 ग्रिड और कॉस की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अ ब्लैंक लिव्ड इन अ विलेज विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो विलेज में अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ कौन रह रहा था? तो आंसर आएगा क्लोथ मर्चेंट, ओके, कपड़े का व्यापारी, वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक छोटे से गाँव में रह रहा था। नंबर 2, दे हैड अ ब्लैक विच लेड एन एग एवरी डे। तो उनके पास क्या था जो हर रोज अंडे रखती थी? तो वो थी फैट हैन, ओके, आंसर आएगा फैट हैन। दे हैड अ फैट हैन विच लेड एन एग एवरी डे। नंबर 3, इट वॉज अ ब्लैंक एग, ओके, तो वो कैसा एग था? गोल्डन, राइट, तो वो गोल्डन एग था। इट वॉज अ गोल्डन एग, आंसर आएगा गोल्डन। नंबर 4, ही वॉज अ ब्लैंक काइंड ऑफ अ पर्सन, तो वो कैसे टाइप का पर्सन था, कैसे टाइप का व्यक्ति था? तो वो लालची था, तो आंसर आएगा ग्रीडी, यानी कि लालची। नंबर 5, देर वॉज नथिंग बट ब्लैंक ऑल अराउंड, तो क्या था? आंसर यहाँ आएगा ब्लड, ओके, वहाँ कुछ नहीं था, बस आसपास सभी जगह खून ही खून था, ब्लड था ऑल ओवर। नंबर 2, पुट अ टिक करेक्ट इफ द सेंटेंस इज राइट और अ क्रॉस इफ इट इज रॉन्ग। नंबर 1, द मैन वॉज सेटिस्फाइड विथ वॉट ही यूज टू गेट डेली, तो वो मैन था, जो आदमी था वो संतुष्ट था उसे हर रोज जो मिल रहा था उससे, तो वो संतुष्ट था, हाँ या ना? ओके, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड वॉट ही गेट डेली, ओके, सो ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो हम यहाँ पे क्रॉस पुट करेंगे, ओके। नंबर 2, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एग रादर अ सिल्वर एग, तो वो एक सामान्य अंडा नहीं था पर सिल्वर, यानी कि सिल्वर यानी कि कैसा? चांदी का अंडा था, तो ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो हम बॉक्स में क्रॉस करेंगे। नंबर 3, ही किल्ड द हैन, उसने मुर्गी को मार डाला, तो ये सेंटेंस राइट है, तो हम बॉक्स में राइट का साइन करेंगे। नंबर 4, ही स्टार्टेड बिकमिंग पुअरर डे बाय डे, ओके, दिन बीतते गए और वो गरीब बनता गया, तो ये भी राइट है सेंटेंस, तो हम बॉक्स में करेक्ट की साइन करेंगे। नंबर 5, ही वॉज वेरी हैप्पी टू गेट ऑल गोल्डन एग्स एट वन गो, तो वो बहुत खुश हो गया कि उसे सभी गोल्डन एग एक ही बार में मिल गए, तो मिले थे उसे गोल्डन एग? नहीं मिले थे, राइट, तो ये सेंटेंस गलत है, तो हम बॉक्स में क्रॉस पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए में क्या है? द मैन, हिज ग्रीड, नाइफ, हैन एंड ग्रीडी पर्सन। एंड कॉलम बी में है लेड अ गोल्डन एग, लूजिस ऑल, क्लोथ मर्चेंट, वॉन्टेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट वन गो एंड कट्स इट्स बॉडी। सो फर्स्ट है द मैन, तो मैन क्या था? तो उसका आंसर आएगा क्लोथ मर्चेंट, वो कपड़े का व्यापारी था, तो द मैन और कॉलम बी का क्लोथ मर्चेंट ज्वाइन करेंगे। नंबर 2, हिज ग्रीड, ओके, उसकी लालच, तो उसकी लालच क्या थी? तो वांटेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट वन गो, एक ही बार में सारे सोने के अंडे उसे चाहिए था, तो हिज ग्रीड वांटेड टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट वन गो। नंबर 3, नाइफ, तो कट्स इट्स बॉडी आएगा कॉलम बी का लास्ट, कट्स इट्स बॉडी, नाइफ से उसने उसकी बॉडी को काट डाला। नंबर 4, हैन, तो हैन क्या थी? तो लेड अ गोल्डन एग, वो हर रोज सोने का अंडा देती थी, तो हैन लेड अ गोल्डन एग, फर्स्ट आएगा कॉलम बी का। एंड नंबर 5, ग्रीडी पर्सन, तो सेकेंड आएगा लूजिस ऑल, उसने सब खो दिया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट डिड द क्लोथ मर्चेंट हैव दैट मेड हिम वेल ऑफ, ओके, तो क्लोथ मर्चेंट के पास ऐसा क्या था तो वो अच्छा कर रहा था, ओके, तो आंसर है द क्लोथ मर्चेंट हैड अ हैन
which laid a golden egg every day that made him well off. Okay, एक hen थी, एक मुर्गी थी जो हर रोज सोने का अंडा देती थी. क्लोथ मर्चेंट के पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, राइट. नंबर टू, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द एग दैट द हैन लेड. जो अंडा वो मुर्गी देती थी उसके बारे में सबसे स्पेशल क्या था, खास बात क्या थी. तो आंसर क्या आएगा, इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी एग, इट वाज अ गोल्डन एग देन हैन लेड. ओके, वो एक सामान्य अंडा नहीं था, वो एक सोने का अंडा था जो मुर्गी देती थी. नंबर थ्री, वाई वॉज द क्लोथ मर्चेंट नॉट सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होना. तो क्लोथ मर्चेंट जो था वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं था. तो आंसर आएगा, द क्लोथ मर्चेंट वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही यूज टू गेट ओनली वन गोल्डन एग एवरी डे. ही वॉज वेरी ग्रीडी. उसे हर रोज दिन का एक ही गोल्डन एग मिलता था. ओके, और वो बहुत ही लालची था, इसलिए वो संतुष्ट नहीं था. ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. नंबर फोर, वॉट वॉज द प्लान दैट हिट अपॉन द क्लोथ मर्चेंट. ओके, जो क्लोथ मर्चेंट था उसके मन में क्या प्लान आया. तो उसका आंसर आएगा, द प्लान दैट हिट अपॉन द क्लोथ मर्चेंट वॉज टू किल द हैन एंड गेट ऑल द गोल्डन एग्स एट वन गो. ओके, तो उसके क्लोथ मर्चेंट के मन में ये प्लान आया कि मुर्गी को मार डालते हैं और एक ही बार में उसके अंदर जो अंडे हैं सारे गोल्डन एग्स वो सारे एक ही झटके में सारे निकाल देते हैं. ओके, ये प्लान उसके मगज में आया. नंबर फाइव, वॉट डिड द क्लोथ मर्चेंट डू देन. तो उसके बाद क्लोथ मर्चेंट ने क्या किया. तो आंसर, द क्लोथ मर्चेंट कॉट होल्ड ऑफ द हैन, टूक अ शार्प नाइफ, चॉप्ड ऑफ इट्स नेक एंड कट्स इट्स बॉडी ओपन. क्लोथ मर्चेंट ने क्या किया, उस हैन को पकड़ा, मुर्गी को पकड़ा, एक शार्प एक छुरी ली. ओके, उसकी नेक को काट डाला और उसकी बॉडी को ओपन किया. ओके, उसने ये सब किया. नाउ नंबर सिक्स, वॉट डिड द क्लोथ मर्चेंट गेट इन द एंड. आखिर में क्लोथ मर्चेंट को क्या हासिल हुआ. तो आंसर आएगा, द क्लोथ मर्चेंट डिड नॉट गेट एनी एग एट ऑल, देर वॉज नथिंग बट ब्लड ऑल ओवर. ओके, जो कपड़े का व्यापारी था, क्लोथ मर्चेंट था, उसे एक भी अंडा नहीं मिला और वहाँ पे कुछ भी नहीं था सिवाय खून के. देर इज ब्लड ऑल ओवर. ओके, सो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. नंबर वन, व्हाई वाज द क्लोथ मर्चेंट ग्रीव्ड. आंसर आएगा, आफ्टर किलिंग द हैन द क्लोथ मर्चेंट डिड नॉट गेट एनी एग एट ऑल. द मर्चेंट वॉज हाईली ग्रीव्ड बिकॉज नाउ ही वुड नॉट गेट इवन वन गोल्डन एग विच ही रिसीव डेली एंड हीज लाइफ वॉज गोइंग ऑन स्मूथली. ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे कि क्लोथ मर्चेंट ने हैन को मार डाला. ओके, और उसे एक भी अंडा नहीं मिला और वो बहुत ही दुखी हो गया. ओके, और वो फिर क्या हुआ कि उसे एक भी गोल्डन अंडा अब नहीं मिलने वाला था जो उसे पहले हर रोज़ मिलता था, और उसकी लाइफ अब स्मूथली भी नहीं चलने वाली थी जो पहले चल रही थी, इसलिए वो बहुत ही दुखी हो गया. नंबर टू, व्हाट वॉज द आउटकम ऑफ द क्लोथ मर्चेंट्स ग्रीड. ओके, जो क्लोथ मर्चेंट था, जो कपड़े का व्यापारी था, उसकी लालच का क्या परिणाम मिला. तो आंसर आएगा, द आउटकम ऑफ द क्लोथ मर्चेंट्स ग्रीड वॉज दैट ही स्टार्टेड बिकमिंग पुअरर डे बाई डे एंड इन अ फ्यू मंथ्स ही बिकेम अ पॉपर. ओके, क्या हुआ, उसका परिणाम क्या आया कि क्लोथ मर्चेंट की ग्रीड की वजह से, उसकी लालच की वजह से वो डे बाई डे वो क्या हुआ, वो पुअरर बनता गया. पुअरर यानी कि गरीब बनता गया, और कुछ ही महीनों में वो एक पॉपर यानी कि कंगाल बन गया. नंबर थ्री, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. तो इस स्टोरी का मोरल क्या है. तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट
A person who desires more loses all. We should remain satisfied with what we have. Okay, तो उस स्टोरी का यही एक मोरल है, यहाँ हमें यही सीख मिलती है कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा की कामना करता है, okay, वो सब खो देता है. इसलिए हमें जो मिला है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए. okay? सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे फिनिश होते हैं.